बाल बांधे हैं, बहुत गर्मी है इसलिए पीछे आपको लग रहा होगा कि आज बंदे बंदे बाल हैं मेरे, खुले खुले रहते और तो आज हम जा रहे हैं सिटी, यहाँ गंजीपुरा है, बहुत अच्छा मार्केट है जबलपुर का। आप लोग भी शॉपिंग करें, यहाँ पर साड़ी कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये क्यों जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने, मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ जो बड़े वाले भैया हैं, मतलब मेरे जेठ हैं, उनका बेटा है लकी, उसकी है इंग्लिश भी है, 10 अक्टूबर की है, तो शॉपिंग अभी से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आज जा रही हूँ मैं मान्या के कपड़े लेने के लिए, उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी साड़ी लेने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी अमित की ड्रेसें वगैरह, वो जो शर्ट पैंट वगैरह रहेगा, तब तो एक एक करके शॉपिंग करेंगे तभी होगा। तो मैंने कहा आज क्यों ना फ्री हूँ, तो मैं आज अपनी फ्रेंड है उसके साथ मैं जा रही हूँ सिटी। तो चलो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा है, बहुत अच्छा मार्केट है। चलिए, धूप भी बहुत हो रही है और मम्मा निकाल रही हैं एक्टिवा। फ्रेंड का घर आ गया है, तो मेरी फ्रेंड का घर बहुत ही ज़्यादा पास में है, लाइक ज़्यादा दूर नहीं। मैं तो गेट पे खड़ी हूँ क्योंकि ना मैंने शूज़ पहने और फिर शूज़ उतारना और पहनना। तो गाइज, हाँ तो गाइज, ये अनुष्का है और ये अपर्णा दीदी हैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये आंटी हैं, आंटी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी हैं। ਆਰੇ ਚੰਨੇ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਗਈਆਂ ਫੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਬਲਪੁਰ ਕਾ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗੰਜੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖੇਂਗੇ ਆਪਕੋ, ਔਰ इन रिक्शा से बैठने में बहुत मज़ा आता है सीरियसली। ये है गंजीपुरा और ये मेन मार्केट है जबलपुर का। ओके सो गाइस, हम लोग यहाँ पे अभी मार्केट आ चुके हैं, बस हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फिर अब जाते हैं हम लोग घूमने। ये भी अच्छी है गंजीपुरा मार्केट, यहाँ का अच्छा मार्केट है, वो इंदौर का राजवाड़ा जैसा है, चीजें अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, आरे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदो तेरे मोढ़े उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई, सोहणियां भी लगन गईआं फे वालियां, गल्लां नाल जदो टकराईआं वालियां। अरे देखी लब लब किवें हर दे, दुआला चले कोई अज दो रातां कालियां। Let me know what you think about me, let me know, let me know, मैनू दस नी तेरे दिल विच की, ओ मेरे राह विच होवे तेरा राह, मेरे साह विच होवे तेरा साह, नी मैं जीना नी अख भर के। बहुत ज्यादा घूमने घामने के बाद ना हम लोग को फाइनली एक ड्रेस पसंद आ गई है, तो अब वो सस्पेंस है, लोगों ने ड्रेस इन अंकल की शॉप से लिया दीदी गारमेंट्स, तो आप लोग भी जबलपुर आए तो गंजीपुरा में डिस्काउंट रेट में चाहिए हो तो यहीं से मिल सकती है आपका अच्छी ड्रेस। फाइनली ये ही है मान्या की, बहुत मुश्किल हुई और अब हम इसके लिए उसकी मैचिंग सैंडल देख रहे हैं। पानी
मैं सब कुछ हार तेरे। तो गाइस हम लोगों ने पानी बताशे का है, बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो आप गंजीपुरा में आए थे, कुमारदीप मेंस वेयर है उसके सामने ठेला लगता है, जरूर खाइए, बहुत टेस्टी था। और हमारी पूरी शॉपिंग हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं। घर पे और हम लोग हैं अभी अनुष्का के घर पे, और हम मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये आने के लिए ट्रेन आई है, ये सीढ़ियों से उतर गई है जो कि आप लोग देख सकते हो कितनी क्यूट सी ट्रेन है। यहाँ पे मम्मी बैठी है अनुष्का। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि अभी ना मैं अन्य ने जैसे टॉय ट्रेन ली थी ना टॉय शॉप से, तो मैंने वहाँ से ये कुछ बॉल्स भी लिए हैं, तो ये अभी स्मॉल्स ही हैं, तो मैंने इन्हें वाटर में रख दिया है और अभी थोड़ी देर में फूल जाएंगी, मीन्स अभी ये बिग बिग बॉल्स हो जाएंगी। और इसमें 7-8 मतलब आई थिंक सो 10-20 बॉल्स हैं। तो गाइस आ गए थे हम लोग मार्केट से घर, और काफ़ी टाइम लग गया, मुझे लगा था कि कम देर में हो जाएगा, मगर 3-4 घंटे लग गए हम लोग को मार्केट में। और पता ही नहीं चलता है, वो इतना बड़ा मार्केट है कि वहाँ घूमने में मज़ा आता है। और मैं चाय पी रही थी, मान्या ने बनाई है टेस्टी, तो आप भी पीजिए मेरे साथ। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ, लेकिन अभी सब कुछ सीक्रेट है। एक मान्या की बहुत सुंदर मैं ड्रेस लेकर आई हूँ मैं, और मान्या के लिए मैचिंग बेली भी ली है मैंने, उसके लिए नया सेट वगैरह भी लिया है पूरा। आज टोटल मैंने पूरी मान्या की शॉपिंग करी, क्योंकि एक दिन में जब इतना टाइम हो गया तो अगर सब कुछ इकट्ठा लेने जाती तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। तो मैं इस कारण, और मान्य जिस दिन पहनेगी उस दिन आपको पता चलेगा, तो ये सब अभी सीक्रेट है। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब याद से करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा ब्लॉग क्या क्या अच्छा लगा आपको मेरे ब्लॉग में।